हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एक्सरसाइज 6.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7th। बट बच्चों आपको बता दूं कि जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जो नए बच्चे पहुंचे हैं इस एक्सरसाइज को देखने के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिए या कॉमेंट सेक्शन आप जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पर भी मैंने इस चैप्टर का लिंक कॉमेंट करके पिन कर दिया है, ठीक है ना। तो आपको पार्ट 1 से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पहले के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शो दैट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले समझो बच्चों, यहाँ लॉग देख के आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरीके से वो इस फंक्शन की जो फंक्शन है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एक्स, इसकी जो डोमेन दे रहे हैं ना आपको, वो कितनी दे रहे हैं, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1। मतलब वो आपको क्या कहना चाहते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ये है। क्या एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है कि एक्स की सभी वैल्यूज जो माइनस 1 से बड़ी हो वो हमको लेनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि माइनस 1 पे ये ओपन होगा, ठीक है। चेक करो, यहाँ इक्वल नहीं लगा है, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1, तो माइनस 1 से बड़ी सभी वैल्यूज कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है ओपन इंटरवल माइनस 1 टू इन्फिनिटी, यही मतलब है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव से टेस्ट करते हैं कि भाई ये इंक्रीजिंग है इस डोमेन में माइनस 1 टू इन्फिनिटी तक। और ज़रा चेक करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है हमको, ये जो वाई है यही क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो सॉल्यूशन में हमने क्या कहा, हमने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट दिस, यानी कि अब देखो y दिया है तो आप y के टर्म में भी आंसर दे सकते हो। अगर y दिया है तो आप dy by dx निकालना है f डैश ऑफ x की जगह, तो y इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। चलो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, dy by dx इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें प्लीज, इसका डिफ्रेंशिएशन करना आता है, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो log के साथ यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स का क्या होगा, सुनो log के साथ जो भी होता है वो 1 अपॉन में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, इनटू इसका करो पहले पूरे का किया, यानी कि log का किया, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, अब इसका करोगे 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, 1 का हो जाएगा 0 और x का होगा 1, 1 प्लस 0 1, तो यहाँ आएगा 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा, ठीक है ना। माइनस, अब ध्यान दें प्लीज, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, और लेट मी चेक माई क्वेश्चन, तो हेयर 2x लिखा हुआ है यहाँ इन्होंने, तो ये 2x हो जाएगा। हाँ भाई ध्यान से चेक करिए, इसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, देखो इसको मैं ब्रैकेट में ही करता हूँ, ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, तो यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है ना, यहाँ क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल, डी बाय डी एक्स ऑफ दिस ना, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, चलो। हाँ भाई क्वेश्चन रूल क्या कहता है, क्वेश्चन रूल कहता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ भाई क्वेश्चन रूल क्या कहता है, क्वेश्चन जो भी करोगे आप ब्रैकेट के अंदर करिएगा, माइनस इस पूरे में ऐसे मल्टीप्लाई है तो इस माइनस को बाहर रखना, ठीक है। क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रूल तो आता होगा सबको, चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा है। सबसे पहले डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स। हाँ भाई ध्यान दे प्लीज, 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, माइनस 2x, नाउ 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 2 का 0 और x का 1, और 2x में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा, जिसको हम नहीं लिखेंगे, अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, ध्यान दें प्लीज, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 2 4 और प्लस 2 इंटू एक्स 2x और माइनस का 2x तो पहले से ही था यहाँ पर, उसको हमने कॉपी कर लिया, अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। और आ गया यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, ये आ गया आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस, देखो अब सिर्फ यहाँ 4 बचा, ओनली 4 बचा है, तो माइनस ऑफ 4 अपॉन माइनस ऑफ 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आई।
अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे इसका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेना आता होगा बच्चों को क्लास 12th में। देखिए ये हो जाएगा आपके पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, देखो सिंपली एलसीएम लेने में कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठा के इससे, और इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इतना तो पता होगा यार, 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर, ये आएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये जाएगा आपके पास क्या 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 + x। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं यहाँ से। चलिए सॉल्व करते हैं, तो बस यहाँ थोड़ा सा डेरिवेटिव निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है। हाँ भाई यहाँ फॉर्मूला लगेगा क्या, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 + 2 × a × b, a² + 2ab + b² तो +2 × a × b करो 2 to the 4 × x 4x और प्लस b का स्क्वायर यानी कि x² x² माइनस, ध्यान दें प्लीज, 4 × 1 4 माइनस प्लस माइनस 4 × x 4x अपॉन 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। नाउ 4x पॉजिटिव 4x नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x² अपॉन 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यही जो डी वाई बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स, यही क्या है f′ है, यही क्या है f′ है। अब हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूं, सुनो आपको इस फंक्शन को क्या शो करना था बताओ, इस फंक्शन को इंक्रीजिंग शो करना था थ्रू आउट इट्स डोमेन, ठीक है, मतलब ये -1 के बाहर क्या है, इंक्रीजिंग है, इसका मतलब -1 के बाहर, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, मतलब -1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं -1 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, इसके लिए आपको क्या दिखाना है कि f′ का जो साइन है वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा क्या, 0। क्लियर है भैया, चेक करो यहाँ से, आप x की कुछ भी वैल्यू लो नंबर लाइन पे, आप x की कुछ भी वैल्यू लो जो -1 से बड़ी हो, -1 से बड़ा तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 0 है, यहाँ -1 है, ठीक, और यहाँ कहीं इन्फिनिटी, ठीक, तो आप क्लियरली देख रहे होगे कि भाई आप अगर इसमें -1 से बड़ी कोई वैल्यू रखो, सपोज हमने 0.5 रखा माइनस का, 0 और -1 के बीच में आता है, और 0.5 जो होता है -0.5 वो -1 से बड़ा ही तो होता है भैया, -1 के राइट भी तो आता है वो, ठीक, तो अगर आप इसमें x की वैल्यू क्या डालो, 0.-0.5 भी डालो मान लो, तब भी ये पॉजिटिव आएगा, आप चेक कर लो कैसे पॉजिटिव आएगा, ध्यान से चेक करो भाई, x का स्क्वायर यानी कि -0.5 का स्क्वायर, ये जो भी आएगा पर होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और 1, फिर x की वैल्यू अगर आप -0.5 रखोगे तो 1 - 0.5 ये 0.5 हो जाएगा, तो भाई ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा 2 - 0.5 1.5 आएगा, 1.5 का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव ये पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 होगा। अब बच्चे बोल रहे 0 पे चेक करके दिखाओ, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0 डाल दो जाओ, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, एक्स की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने हमें बोला था क्या, इंक्रीजिंग, और याद होगा आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं बोला है, इंक्रीजिंग के केस में आपका जो होता था क्या कि f′ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था ना, याद है ना, तो x इज इक्वल टू 0 पे इसका जो डेरिवेटिव f′0 यानी कि f′ कितना हो जाता है 0, चेक कर लो x की वैल्यू 0 डालो तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे 1 + 0 1 और 2 + 0 2 2 का स्क्वायर 4 तो 0/4 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग शब्द का यूज़ इसीलिए किया गया है, ठीक है, तो 0 पे भी तो इंक्रीजिंग ही माना जाएगा, क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे, और 0 के आप राइट में कोई भी पॉइंट ले लो, तो ये जो मैंने आपको समझाया कि भाई ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, -1 के राइट में आप कोई भी वैल्यू लो, लेकिन क्या एग्जाम में करने का यही तरीका है कि ऐसे हम लिख देंगे क्लियरली वी सी दैट f′ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, ना 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 भाई, नंबर आपको कैसे मिलेंगे वो देखिए आप, नंबर तो आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे हमने आपको बताया था, क्या पूरा आपको जो है प्रोटोकॉल अपना फॉलो करना है, क्या होता था सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने अपने डेरिवेटिव को यहाँ लिख लिया, ठीक है, तो ये जो f′ आया है हमारा, ठीक है, जिसको हम dy/dx भी बोल सकते हैं, ये आया है हमारा x² / 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। अब आप क्लियर देखते हो, एक चीज़ और गौर करना, उसने x की वैल्यू -1 क्यों नहीं ली थी,
क्यों नहीं ली थी? अगर वो x इज इक्वल टू माइनस वन बोल देता, मतलब यहाँ अगर इक्वल टू लगा देता क्वेश्चन में, तो सोचो x की वैल्यू अगर माइनस वन हो जाती तो ये डिवाइडेड x डिफाइंड ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अगर x की वैल्यू माइनस वन रखोगे तो वन माइनस वन नीचे तो जीरो हो जाता, समथिंग अमाउंट जीरो तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना? बस समझ में आई? तो इसलिए उन्होंने मना किया था। बहरहाल बातें जो भी हो, हम अपने रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि डी वाई डी एक्स किसके इक्वल, जीरो के इक्वल रख दो। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स इंटू टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। बच्चों ध्यान दो, ये वैल्यू जीरो कब आएगी बताओ? इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। सोचो अगर इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन अगर ये इसको जीरो के इक्वल होना है तो ना तो ये जीरो होगा ना तो ये जीरो होगा। तो सिंस 1 प्लस एक्स इंटू टू प्लस एक्स, तो ना ये जीरो है ना ये जीरो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। तो अब किसको जीरो होना पड़ेगा? ऊपर वाले पार्ट को जीरो होना पड़ेगा। जब ऊपर जीरो आएगा तो जीरो अपॉन समथिंग ही तो जीरो होता है। इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज व्हाट, कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, जीरो पे स्क्वायर रूट लगाओगे, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई जीरो। प्लस माइनस जीरो पर बच्चे बोलेंगे अरे प्लस जीरो बोलो माइनस जीरो बोलो, बात क्या है सेम है। तो यानी कि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला है, क्या हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला है जीरो, ठीक है, माइनस वन और इन्फिनिटी के बीच में हमको एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है जीरो। अभी मैंने जीरो को इंक्लूड नहीं किया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस जीरो ने क्या किया, दो सब इंटरवल्स में इसको ब्रेक कर दिया, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू ओपन इंटरवल जीरो एंड दूसरा इंटरवल है आपका जीरो टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों इंटरवल में हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स का साइन चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, जैसा हम करते थे हम वैसा ही करेंगे। तो आप एक काम करो, क्या कि माइनस वन और जीरो के बीच में कोई नंबर चूज करो, ठीक है। कौन सा चूज करें, लेट अस से एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.5 हमने चूज किया, ठीक। तो एफ डैश ऑफ व्हाट, एफ डैश ऑफ माइनस 0.5 अगर हमने लिया है तो ध्यान दीजिएगा प्लीज स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे माइनस 0.5 रखेंगे किसकी जगह, एक्स की जगह, ये अपॉन वन माइनस, हाँ भाई एक्स की वैल्यू माइनस 0.5 रखो तो वन माइनस 0.5 ये 0.5 हो जाएगा इंटू टू माइनस 0.5 क्या होता है 1.5 का स्क्वायर। और चेक करो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अभी तो बताया था, तो ये ग्रेटर देन जीरो आ गया। इसका मतलब क्या, एक ही पॉइंट लेके हम चेक कर लेते हैं इंटरवल में। तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर फॉर ऑल, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स या फिर डी वाई डी एक्स आप जो भी बोलो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल माइनस वन टू जीरो। अब ध्यान दें प्लीज़ बच्चों ध्यान दें, एंड पॉइंट पे भी चेक करना है आपको, एंड पॉइंट पे भी चेक करना, भाई चेक करना है कि एंड पॉइंट इंक्लूड तो नहीं हो रहे। और ध्यान दें प्लीज, आपको माइनस वन पे नहीं चेक करना, अरे क्वेश्चन में मना किया था उसने, माइनस वन नहीं ले सकते हो, तो माइनस वन तो भाई क्वेश्चन में मना किया था तो बात अलग है। और सोचो अगर आप ले लोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस वन रखोगे तो डी वाई डी एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। हाँ जीरो पे चेक करना हमारा फर्ज बनता है, और जरा चेक करते हैं, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ जीरो अगर हम चेक करें तो ध्यान से चेक करिएगा क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो, जीरो का स्क्वायर अपॉन वन प्लस जीरो इंटू टू प्लस जीरो का स्क्वायर, ये तो जीरो आ गया, अरे जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो पॉइंट समथिंग जीरो, तो ये तो जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जीरो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तो यानी कि क्या है, यहाँ पे हमने जीरो भी इंक्लूड कर दिया, और हम बोल सकते हैं क्या कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वैसे तो ये इंक्रीजिंग हो गया, आप समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो भी आ गया और इक्वल टू जीरो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दो इस इंटरवल में, या इंक्रीजिंग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसका साइन कहाँ, हम चेक करेंगे इसका साइन जीरो से लेके कहाँ तक, अब जीरो इंक्लूड तो वैसे हो ही गया, तो इसको हमने क्या कर लिया, क्लोज सर्कल कर लिया, ठीक है। अब जीरो से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर चूज करो, लेट अस से हमने वन चूज किया, ठीक है। चलो अब हम वन पे इसका साइन चेक करते हैं, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ वन इज इक्वल्स टू व्हाट, वन का स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन टू, और वन प्लस टू प्लस वन थ्री, थ्री का स्क्वायर क्या जाएगा नाइन, ये तो यार पॉजिटिव हो गया फिर से, वन अपॉन एटीन, वन अपॉन एटीन टू नाइन, वन अपॉन एटीन पॉजिटिव ही तो होता है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x belongs to the open interval 0 to infinity। अब end point पे चेक करेंगे, ठीक है। तो infinity पे तो करोगे नहीं, तो 0 पे करो। अभी अभी आपने देखा था क्या कि f dash of 0 क्या आया था, 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये condition कौन सी satisfy कर रहा है, f dash of x is greater than or equal to 0, तो 0 को हम include करेंगे। और वैसे भी आप अब तो आप पक्का कह सकते हो क्या कि
जीरो इंक्लूड कर लिया गया है ना, यानी कि माइनस वन से लेके अब जीरो पे जब हमने ओपन किया था वो क्लोज हो जाएगा, तो माइनस वन से लेके ये जितने भी नंबर्स आते हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी पर, यानी कि एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन माइनस वन होगी तो ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीजिंग। आप गौर करिएगा, ठीक है, उन्होंने इंक्रीजिंग शब्द का यूज़ किया है, और इंक्रीजिंग शब्द का जब यूज़ किया था तो ये कंडीशन यूज़ होती थी, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, कब, माइनस वन से लेके वन, माइनस वन से लेके इन्फिनिटी के बीच में, लेकिन हाँ एफ डैश ऑफ एक्स एक बार जीरो भी होता है, कहाँ, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, तो इंक्रीजिंग के केस में आ जाएगा। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो इस पूरी नंबर लाइन पे, कहाँ, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, तो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर इन दिस इंटरवल, या फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स विच आर ग्रेटर देन माइनस वन, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, हेंस प्रूव्ड, शो कर दिया। स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है इसका आंसर एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ, अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे, मैं बता रहा हूँ, है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, पर फिर भी कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्या कंफ्यूजन होगा मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज इक्वल टू, अब देखो पहला कंफ्यूजन ये कि ये स्क्वायर ब्रैकेट देख के बच्चे डर जाएंगे, वो सोचेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला स्क्वायर फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि भाई ये होता था ना, नहीं 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 ये ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला स्क्वायर फंक्शन नहीं है, अगर होता ना तो वो आपको बोलता कि हाँ भाई दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तो ये सिंपल फंक्शन है, पॉलीनोमियल फंक्शन है, x इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब इन्होंने बच्चों क्वेश्चन बोला है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब आपको x की वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है कि x की जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन कैसा हो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं आंसर, ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इसकी डोमेन जो होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसकी डोमेन होगी। आइए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो y, जिसको हम f of x भी अज्यूम कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू हमको गिवन है क्या, x इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। नाउ f डैश ऑफ x, यानी कि डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो डी बाय डी एक्स ऑफ y, यानी कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हम करते हैं स्टूडेंट्स डेरिवेटिव करने से पहले इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो किस तरीके से हो जाएगा, ध्यान से करिए, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू टू टू एक्स, और इस पूरे का भाई इस पूरे का तो होल स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब आपका वाई या एफ ऑफ एक्स ऐसा बन गया, अब इसका डेरिवेटिव करो, कैसे करोगे, इस पे हाथ रख लो, एक्स की पावर एन वाला रूल पहले पूरे का करोगे, इसमें लगाओगे तो टू आ जाएगा आगे, यानी कि टू आगे आगे और इंटू ये जो कुछ भी है अंदर, ये एज इट इज बच जाएगा, और इसकी पावर में वन माइनस कर देंगे तो यहाँ बना जाएगा टू की पावर माइनस वन वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अरे भाई चेक करो ना, पहले पूरे का किया अब इसका भी तो करोगे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ओके चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास टू, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, ले लो कॉमन, तो एक्स माइनस टू टू, और यहाँ से एक्स कॉमन आ गया तो एक्स माइनस टू बचा, इंटू ध्यान दें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स का डेरिवेटिव टू, ओके अब यहाँ से टू कॉमन लोगे और वो आगे आ जाएगा टू टू द फोर हो जाएगा फोर एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू यहाँ से टू कॉमन जा चुका था तो यहाँ एक्स माइनस वन बचेगा, बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल है ना। अब देखो ये जो निकला है यही तुम्हारा क्या एफ डैश ऑफ एक्स है, और ध्यान दो प्लीज, तुमने पहले ही बोल दिया था कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, मतलब ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था इसको हमने एफ ऑफ एक्स पहले बना दिया था, तो हमने वही बोला कि एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, ये क्या दिक्कत है ना। अगर नहीं मानते तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो की जगह डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो रखते। चलो अब इसको जीरो रखोगे तो सुनो फोर इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन है तो फोर तो जीरो हो नहीं सकता, यानी कि या तो ये जीरो होगा या तो ये या तो ये, यानी कि या तो एक्स जीरो होगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जीरो ही आ गई, और या तो एक्स माइनस टू जीरो होगा, अगर एक्स माइनस टू जीरो होगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू टू आ जाएगा, और यहाँ से अगर x माइनस वन जीरो होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन। आपको तीन थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स मिले रियल नंबर लाइन पे, जीरो वन और टू, जाके प्लॉट कर लो, ठीक है। पहले आएगा जीरो, अभी हमने ओपन रखा है जीरो पे, फिर आएगा वन, फिर आएगा आपके पास क्या टू, तो कितने इंटरवल बन गए थ्री, एक ये वाला और ये वाला, वन टू थ्री बल्कि फोर बन गए, थ्री नहीं फोर बन गए, थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो फोर इंटरवल्स आएंगे आपके पास, ठीक है। चलो कौन कौन से इंटरवल्स हैं, एक है माइनस इन्फिनिटी से लेकर ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू ओपन इंटरवल जीरो, ठीक है। दूसरा इंटरवल क्या है जीरो टू वन, ओपन इंटरवल जीरो टू वन, और थर्ड इंटरवल ओपन इंटरवल वन टू टू, और फोर्थ इंटरवल है आपका टू टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ध्यान दें
तो इसी बात को आप कैसे लिखेंगे, इस बात को आप लिखेंगे क्या कि x इज लेस देन जीरो। कैसे लिखोगे इसको, x इज लेस देन जीरो। ओके, बात समझ में आई? तो जीरो के लेफ्ट में मतलब x इज लेस देन जीरो, और इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे x इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, और इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे x इज ग्रेटर देन वन बट लेस देन टू, और इसको कैसे लिखोगे फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन टू, x की सभी वैल्यू जो टू से ग्रेटर है। ठीक है, चलो अब हम चेक करते हैं क्या चलो तो ये आ गया f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले कॉपी कर लेते हैं, कितना है 4 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, ये आया हमारा डेरिवेटिव। इसको आप चाहो तो इक्वेशन वन बना सकते हो, क्योंकि f डैश ऑफ x के ही हमको अलग अलग इंटरवल में साइन चेक करने होते हैं। चलो अब देखो जरा, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इस इंटरवल में, ठीक है, यानी कि x इज लेस देन जीरो के लिए, यानी कि ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो के लिए। तो यहाँ से कोई नंबर चूज कर लो, इस इंटरवल में कोई नंबर चूज करो, लेट अस से x इज इक्वल्स टू कुछ भी चूज कर लो, क्या चूज करें, जीरो के लेफ्ट में सपोज हमने माइनस वन चूज कर लिया, ठीक है, तो f डैश ऑफ माइनस वन अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर इंटू माइनस वन, माइनस वन और माइनस टू, माइनस थ्री हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन और माइनस वन, ये माइनस टू हो जाएगा। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव इंटू माइनस, ये माइनस फोर इंटू माइनस वन माइनस वन होगा ना, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव ही तो आएगा, यानी कि लेस देन जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। बात समझ में आई कि नहीं? और इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इंक्रीजिंग के बारे में बात करी थी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, फॉर इन द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, तो ये तो हमारे आंसर में जाएगा नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपको एंड पॉइंट पे चेक करना है तो आप चेक कर लो, जीरो पे अगर चेक करोगे आप, ठीक है, तो इसमें एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे, एफ डैश ऑफ जीरो आ जाएगा, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जगह हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हम जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, बात समझ में, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया, और इस इंटरवल की हमको बात भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए क्वेश्चन पूछा था। तो अब हमारे पास सेकेंड इंटरवल है क्या, जीरो टू वन, ओके, तो जीरो टू वन में अगर हम चेक करेंगे तो एफ डैश ऑफ, हाँ भाई, जीरो और वन के बीच में कोई नंबर चूज करो, लेट अस से हमने चूज कर लिया एक्स इज इक्वल्स टू 0.5, ठीक, तो चेक करते हैं एफ डैश ऑफ 0.5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर इंटू 0.5, एक्स की वैल्यू 0.5 रखो, ठीक है, और 0.5 माइनस टू तो क्या आ जाएगा माइनस 1.5, और 0.5 माइनस वन माइनस 0.5, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या रखी है हमने यहाँ 0.5 रखी है, ठीक, ये आ गया। अब ध्यान दो बच्चों, माइनस माइनस प्लस ही तो हो जाएगा, यानी कि क्या क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, यानी कि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 टू 1, बट आपको एंड पॉइंट पे भी चेक करना है। बच्चों ध्यान दे मेरी बात, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, कि अगर उन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा होता, ठीक है, अब जरा चेक करते हैं पहले कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तो इंटरवल तो चलो यही वाला होगा अभी, ओपन इंटरवल 0 टू 1, अब एंड पॉइंट पे अगर हम चेक करें, ठीक है, तो करते हैं चेक, एंड पॉइंट क्या है, जीरो, तो जीरो पे एफ डैश ऑफ जीरो पे ये क्या हो जा रहा है, जीरो, आना क्या चाहिए था, ग्रेटर देन जीरो, आ क्या गया, जीरो, ठीक है, मतलब क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर बात करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर बात करेगा तो हम जीरो को इंक्लूड यहां पर नहीं कर सकते हैं, बात समझ में, क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, बट ये तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है, समझिए जरा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मैं आंसर दे रहा हूं आपको, बट अगर केवल इंक्रीजिंग बोला जाता तो इंक्रीजिंग का मैं देखिए आंसर दे रहा हूं आपको, इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती थी कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो तब भी चलेगा और इक्वल टू जीरो तब भी चलेगा, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे तो एफ डैश ऑफ एक्स जीरो हो गया, इसका मतलब जब वो इंक्रीजिंग की केवल बात करें तो जीरो पे हमको क्या करना था, क्लोज करना था, ठीक है, तो जीरो पे हमको इसको क्लोज करना था, तो ये अंतर है, आपके आंसर शीट में पीछे जीरो को उन्होंने क्लोज नहीं किया, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, रुक जाओ। अब वन को हम क्लोज करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, करेंगे, क्यों, क्योंकि आप चेक करिए ना, एफ डैश ऑफ वन अगर आप निकालो तो भाई एक्स की वैल्यू वन रखो ना इसमें, एफ डैश में,
वन रखो तो वन माइनस वन यही पूरे सबको जीरो कर देगा, तो फिर से ये जीरो आ गया। इसका मतलब वन को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो ये हो गया इंक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तो ओपन होता, वन पे भी ओपन होता और जीरो पे भी ओपन होता। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं, रुक जाओ। अब थर्ड इंटरवल आप लीजिएगा अगर, तो क्या है आपका थर्ड इंटरवल, वन टू टू, ठीक है। तो ओपन इंटरवल वन टू टू, तो एफ डैश ऑफ वन और टू के बीच में कोई नंबर चूज करो स्टूडेंट्स। वन और टू के बीच में सपोज हमने चूज किया 1.5, ठीक। तो एफ डैश ऑफ 1.5 साइन देखते कैसा आता है, 4 इंटू एक्स की जगह 1.5 और एक्स माइनस, मतलब एक्स की वैल्यू 1.5, 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5 और 1.5 माइनस 1, तो ये प्लस का 0.5। हाँ भाई नेगेटिव हो गया, चेक करो यहाँ माइनस आ रहा है, ये भी पॉजिटिव, इसकी वजह से नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी आंसर आ रहा होगा तो नेगेटिव आएगा। यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन वॉट, इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल वन टू टू। तो इसकी बात ही ना करो, वो तो इंक्रीजिंग पूछ रहा था, ये तो डिक्रीजिंग का केस आ गया, छोड़ो ये इंटरवल, ठीक है, बढ़ो आगे, ठीक। तो टू से इन्फिनिटी के लिए, ठीक है, ओपन इंटरवल टू टू इन्फिनिटी के लिए, दिस इज द लास्ट इंटरवल, दैट इज द फोर्थ इंटरवल। सो एफ डैश ऑफ, हाँ कोई नंबर चूज करो, चलो टू और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर चूज करो, सपोज मैंने थ्री चूज कर लिया, तो आओ जरा देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ थ्री, यानी कि फोर इंटू थ्री और थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, और थ्री माइनस वन टू, भाई ये तो पॉजिटिव आ गया। यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवेल टू टू इन्फिनिटी। बात समझ में, एंड पॉइंट पे भी चेक करो बच्चों, देखो अगर एंड पॉइंट वो पहले चेक करते हैं, एफ डैश ऑफ टू चेक करो कितना आएगा, एफ डैश ऑफ टू जीरो हो जाएगा, चेक करो अगर x की वैल्यू टू डालोगे, टू माइनस टू जीरो, इसी की वजह से पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया। मतलब कि अगर वो केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करता तो हम टू को इंक्लूड नहीं करते, यानी कि ओपन इंटरवल टू टू इन्फिनिटी होता। तो बात समझो बच्चों, बात समझो क्या, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जो आंसर आता वो क्या आता, वो आता ओपन इंटरवल जीरो टू वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी, ये वाला इंटरवल है, ये वाला। इसी बात को हम कैसे लिख सकते थे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन, एंड एक तो ये वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एक ये वाले में, मतलब x इज ग्रेटर देन व्हाट टू, अरे टू टू इन्फिनिटी का मतलब क्या, x की सभी वैल्यू जो टू से बड़ी हो। तो आपकी एनसीईआरटी में तो ऐसा आंसर कर दिया उन्होंने, पासवर्ड में यही मैं डिस्कस करना चाहता था कि ये जो आंसर किया, या तो अपना क्वेश्चन सुधार लो, क्या बोल दो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देते तब तो हम बोलते हाँ भाई ये वाला आंसर ठीक है। तो आप चाहें क्वेश्चन में सुधार कर लीजिए, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर लीजिए, और अगर आप इंक्रीजिंग कर रहे हैं तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा एग्जाम में, मेरा सजेशन सुनिए, अगर इंक्रीजिंग लिख के आ गया ना तो आप एक बार जैसे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आंसर किया हुआ है ना, याद है आपको, पहले हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकाल लेते थे और फिर हम इंक्रीजिंग वाला इंटरवल निकाल लेते थे, तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम में उनको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिख के दिखा देना और उसके बाद इंक्रीजिंग भी लिख के दिखा देना। तो इंक्रीजिंग के लिए ये जीरो पे भी क्लोज है, वन पे भी क्लोज है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये जीरो और वन पे ओपन है। बात समझ में आई कि नहीं। अभी एक और इंटरवल बचा है, तो इसके एंड पॉइंट अगर टू पे चेक करें तो जीरो आ जा रहा था, यानी कि टू को क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन किसके लिए, किसके लिए टू को क्लोज करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स या तो जीरो आ जाए या तो जीरो से ग्रेटर आ जाए, यानी कि टू को हम यहाँ क्लोज करते हैं, और सबको पता है इन्फिनिटी पे कभी क्लोज नहीं करते, यानी कि अगर इंक्रीजिंग आता हमारा क्वेश्चन एग्जाम में तो हम आंसर क्या देते, क्लोज इंटरवल जीरो टू वन यूनियन क्लोज इंटरवल टू टू इन्फिनिटी पे ओपन, या फिर इसी बात को हम कैसे लिखते, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन इक्वल टू वन एंड x is greater than or equal to 2। ध्यान दें प्लीज, यहाँ इक्वल इक्वल लग गया सब जगह, यहाँ नहीं लगा था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई, तो बहुत गौर से इसको देखिए, तो वीडियो रिवर्स करके फिर से देखिए मैंने क्या बात बताया, अरे जो पार्ट वन से करके आए हैं उनको सब पता है। अब सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, यहाँ एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ कॉमेंट सेक्शन चेक करना और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना ना भूलें।